चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि बीगापुर से आ रही है। उप जिलाधिकारी बीगापुर ने थाना क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन पटाखा बनाने वालों की दुकानों पर निरीक्षण किया है और आपको बताने चले कि निर्माण के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिया है। आइए एक बार नजर डालते हैं पूरी खबर पर। बीगापुर थाना क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त पटाखा बनाने वालों का उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक ने निरीक्षण किया है। नगर पंचायत बीगापुर के काटरा मार्ग पर स्थित दोस्त मोहम्मद की दुकान पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने संघ निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण सामग्री रजिस्टर से सामान उपलब्ध कर मिलवाया है। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भी सुक्षमता से अंतिम तिथि देखी है। निर्णय के साथ स्थल के बाद भंडारा स्थल पर निरीक्षण किया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि दोस्त मोहम्मद की दुकान का मानक के अनुसार निर्माण के साथ ही सामग्री और भंडारा पाया गया है। उप जिलाधिकारी ने बीगापुर थाने के टिकट अजीज पुत्र नूर मोहम्मद के शव गाँव में जमीर पुत्र गफूर लालगंज प्रथम सलीम पुत्र गफूर अली का निर्माण स्थल पर भंडारा स्थलों का निरीक्षण किया है। उप जिलाधिकारी में आपको पता चले कि आतंकवादियों के साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है। अवैधनिक रूप से भंडारण का निर्माण मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। उप जिलाधिकारी के साथ ही बीगापुर प्रभावी निरीक्षण जावेद अख्तर वड़ी उप जिलाधिकारी घनश्याम शुक्ला कांस्टेबल कृष्ण प्रताप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए बीगापुर से नवनीत शुक्ला की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए